तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो चलिए चलते हैं, आज ऑसम सी पोटैटो चीज़ी बॉल बना रही हूँ। बहुत अच्छे वेजिटेबल भी साथ में डाल करो तो बच्चों को खिलाइए, बहुत मज़े के बनते हैं। देखिए इधर पे शिमला मिर्च लेकर हूँ एक छोटी वाली, एक आनियन लेकर हूँ छोटी वाली, थोड़ा सा हाफ कैरेट लेकर हूँ, सबको अच्छे से चॉप कर दिया और इसको क्या कर दिया मैंने, मिक्स करके रख दिया। तीन मीडियम साइज़ के मतलब छोटे वाले पोटैटोस लेकर हूँ, उसको भी बॉईल कर दिया, मैश कर रही हूँ उसको भी अच्छे से। और टू स्पून भर के कॉर्नफ्लावर लेकर हूँ मैं अच्छे से बाइंडिंग आने के लिए गाइस। और थोड़ा सा खड़ा धनिया आता है ना, उसको भून कर थोड़ा सा उसको भी मैं अच्छे से हथेली में मतलब क्या करते हैं, कुचल के दाल हथेली के ज़रिए से इसको अच्छे से, या कुचल कर भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी सुईन की भाजी, थोड़ी सी खत्ती मिर्च डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। ये है हमारा मेन चीज़ मोज़रेला चीज़, इसको आप अच्छे से क्रश करके डाल सकते हैं, मैंने काट काट के डालिया। तो इसमें देखिए थोड़ी सी सुईन की भाजी और थोड़ी सी खत्ती मिर्च डाल दिया, और ये ब्लैक पेपर 1 स्पून इसको डाल रही हूँ। और मैंने तीन कलियाँ लहसुन के लेकर हूँ, उसको भी अच्छे से चॉप कर करूँ। और फिर इसके अंदर जाएगा हमारा, देखिए इसको अच्छे से ऐसे हाथ के ज़रिए से मैंने अच्छे से, ये हाथ में मैंने वीडियो एक कैमरे में पकड़ता हूँ। और ये हमारी लाल मिर्ची तीखी वाली नहीं, इसको थोड़ा सा क्रश करके मिक्सी में फिरा कर मैं चिली फ्लेक्स की तरह डाल दिया मैंने। ये लहसुन डाल रही है इसमें मैं 3 कलियाँ, और चिली फ्लेक्स डाल दिया 1 स्पून लाल वाली, क्योंकि तीखी कम रहती है ना इसलिए। और हमारे पोटैटोस हमारे चीज़ को इसमें से अच्छे से मैंने काट कर डाल दिया, चीज़ को भी हमारे अच्छे छोटे छोटे क्यूब्स बना के डाल दिया, क्योंकि अभी इसका बॉल बनने जा रहा है ना, इसीलिए नमक लूँगी मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और अभी क्या डालेंगे, हमारा कॉर्नफ्लावर डालूँगी 2 स्पून भरकर, हो गया इतना ही गाइस इसके अंदर। और क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी अभी मैं हाथों के ज़रिए से अच्छे से, इसको देखिए ऐसे मसल मसल के इसको अच्छे से। ओके तो फाइनली हो गया तैयार, इसके बॉल्स बना लेंगे अब हम। चीज़ी चीज़ी पोटैटो बॉल्स फाइनली बन चुके हैं इधर पे, बहुत प्यारे बने थे। अभी इसके लिए हम क्या लेंगे, ये देखिए इधर भी थोड़ा रख कर हूँ मेरे हबी के लिए, ये हमारे लिए वीडियो कंप्लीट करने के लिए। और फिर देखिए इधर छोटी मास्टर शेफ माहिरा द ग्रेट, तो माहिरा अभी से ही मेरे साथ बैठ कर फ्राई, देखिए उसका दांत कितना क्यूट लग रहा है ना, टूट कर दांत झड़ गया कली गाइस, मुबारक हो। तो उसको बोल रही थी मैं कैसी लग रही है वो करके, तो दिखा रही थी अपना, देखिए मेरे दोनों बच्चे इधर बैठकर ये भी मस्त मेरे साथ रेसिपी सीख रहे हैं। तो ये हमारा आटा ले लिया मैंने, इधर भी थोड़ा सा हमारा ब्लैक पेपर छिड़कूँगी थोड़ा सा जस्ट, और थोड़ा सा नमक भी इसमें छिड़कूँगी ऊपर से, क्योंकि मैं मैदा नहीं लेती हूँ, मैदा नहीं खाती हूँ, घी का ही लीजिए, आपके पास मैदा हो तो मैदा ले लीजिएगा थोड़ा सा हमारे बॉल्स को लगाने के लिए। तो देखिए इधर से थोड़ा सा मिक्स कर दिया, और फिर देखिए गाइस अभी माहिरा सो रही है मॉर्निंग में, आवाज़ नहीं चाहिए कि, तो मेरे इधर पे छोटी सी जीनी है ना बिली, वो भी म्याऊं म्याऊं कर रही है। एक अंडा ले लिया गाइस, अंडे में भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए गाइस मुझे मेरे वीडियो बनाने के टाइम कुछ भी प्राइवेसी नहीं है गाइस, वो रूम से कैट्स बंद कर कर उधर से म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ आ रहा है। तो ये है ना, मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे तो बन था, बन मंगा लिया मैंने एक 5 रुपये की दुकान से, तो उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से क्रश कर दिया, उसको अच्छे से पीस कर फिर इधर देखिए पैन में थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि बहुत ऑसम रहता है ऐसा ब्रेड क्रम्स। आप देखिए बनाकर इसमें जो एक ये आता है ना गाइस, बहुत अच्छा रहता है, जो कड़क कड़क रह जाता है ना, देखिए कितने अच्छे से कड़क हो गया। अभी इसमें पहले मैं डुबा दूँगी हमारे आटे में, इसको अच्छे से फिरा कर फिर इसको क्या करूँगी, हमारे अंडे के साथ इसको डिप कर दूँगी, अंडे में डिप करके इसको फिर हमारे ब्रेड क्रम्स में इसको ऐड कर फिर डिप करूँगी। तो बहुत एकदम से क्रंचनेस बाहर से बहुत अच्छे से आती है, अंदर से एकदम से ऐसे आप जब तोड़ेंगे तो चीज़ी चीज़ी अच्छे से निकलेगा, बहुत अच्छा रहता है गाइस।
तो कुछ इस तरह से बच्चे जो भी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं उनको ऐसे मस्त खिला दीजिएगा गाइस। कैप्सिकम है इसमें हेल्थी वाला, और इसमें गाजर है, और क्या है सारे मतलब आपको जो भी लगते हैं, आलू है, तो अच्छा रहता है गाइस बच्चों के लिए। तो सारे मैंने डाल दिया, देखिए फाइनली तैयार हो गए। इसको सेट में रेस्ट के लिए रख देंगे हम। ऐसे करके सारे सारे बॉल्स हमारे बन चुके हैं। तो ये लास्ट वाला था, तो इसको भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सारे हमारे तैयार हो गए, चीज़ी बॉल, पोटैटो चीज़ी बॉल, बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों को, तो मज़े ले ले के खाते हैं। मेयोनीज में हो या क्या बोलते हैं हमारे टमाटो केचप में दो, बहुत ऑसम रहते हैं। देखिए गाइस फाइनली बन चुका है हमारा क्रंचनेस वाला बॉल। तो चलिए इधर पे तेल रख दिया। ये तेल मैंने फर्स्ट से एक बार यूज़ करी थी मैं चिकन के लिए, तो वो तेल में ही मैं इसमें तल रही हूँ ये। ओके तो देखिए गाइस मस्त गाइस, बहुत अच्छे बने थे। तो आप भी बनाइए खाइए। तो मेरे दो बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं मॉर्निंग में थोड़े आराम से बात कर रही हूँ। ओके डोंट माइंड। तो यहाँ हमारी है ना जीनी बिली, बिली का बच्चा, वो चीखा मार रही है, उसको भूख लगी है शायद। अभी उसको भी जाकर दूध और उसका खाना डालूंगी। तो देखिए गाइस इस बार मैं अच्छे से इधर देखिए एक दो मिनट छोड़ के बाद में अलट पलट कर लिया मैंने, और इसको अच्छे से अच्छे मतलब फुल एकदम गर्म तेल में डालकर बाद में मीडियम कर दीजिएगा, आराम से अंदर तक भी पकेगा। तो बहुत अच्छे क्रंचनेस सारे कुछ हमारे वेजिटेबल का क्रंचनेस भी अच्छा रहता है। तो फाइनली तैयार हो चुके हैं इधर पे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इधर मेयोनी ऐड कर रही हूँ मैं, माशाल्लाह यमी यमी वेरी टमी। तो इधर मेयोनी ऐड कर रही हूँ, इधर पे सॉस भी रख कर हूँ मैं। तो देखिए आइए अभी आपको इसका नज़ारा दिखाती हूँ अंदर का कैसा रहता है यम वाला। तो इसको कैसे रहता है आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए मेरा डिज़ाइन इसको गर्म था तोड़ कर दिखा रहा है। वाह देखिए गाइस, तो बिस्मिल्लाह करके खा रहा है चीज़ी चीज़। देखिए माहिरा खा रही है ना, ये बोलते हैं चीज़ी चीज़ी बॉल, खाने का मज़ा बच्चों के साथ। देखिए गाइस कितने मज़े लेकर खा रही है माहिरा, माशाल्लाह बोलिएगा। देखिए माशाल्लाह एक एक बाइट में भी इतने अच्छे से चीज़ मैंने फिल कर कर उनके अच्छे से है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर। आपके प्यारे दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।